हेलो गाइस, आज मैं आपके लेके आया हूँ फ्री फायर सीएस रैंक मेंट का गेम प्ले, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत सीन से भरा पड़ा है। और इसको देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपको मज़ा आते हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। ओके गाइस, तो अभी देखो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सीधे कवर में, कमर हिला हिला के, जो कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ फुल स्पीड पर। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। इस ये कंटेनर मेरा फेवरेट कंटेनर है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहुँचने के बाद मुझे सामने बंदा भी दिखता है एक, और उस पर मैं अटैक करने को, तब तक भाई कांड हो जाता है, भाग जाता है वो। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरा टीममेट फायर ले रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जल्दी से। और फिर मुझे नज़र, भाई दो बंदे जा रहे हैं टीममेट की तरफ, एक से पहले से फायर ले रहा था वो, तो मुझे पता चल जाता है वही होता है। लेकिन उनका मैं एक बंदा यहाँ पे धर लेता हूँ 121 का हेडशॉट देके। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये था जिसने मारा, और भाई ये अपना टीममेट आ जाता है जिसकी वजह से मैं फंस जाता हूँ। ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ पाता, और तब तक तो अपना काम हो जाता है भाई। इतना टाइम कहाँ लगता है हेडशॉट मारने में, आगे वाले बंदे प्रो हैं, हम ही थोड़ा ना नूब हैं, वो लोग प्रो हैं। और यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि मुझे रिवाइव देता है, काफ़ी अच्छा बंदा होता है ये, लेकिन भाई मेरे चक्कर में वो भी चला जाता है, तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद न्यू मैच। अब भाई हम लोग यहाँ पे गरीब होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमारे पास होता है केवल एक डेजर्ट ईगल, और डेजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना वैसे सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन हम जैसे प्रो लोगों के लिए नहीं होता है आसान, ये केवल महान जो प्रो होते हैं उनके लिए आसान होता है। ओके, और यहाँ पे ये बंदा आता है, मैं इसको हेडशॉट धरने की कोशिश करता हूँ बट होता कुछ नहीं है। और फिर ये अपना टीममेट मारो, मैं चलो ठीक है इसको मारने देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है ये तो भाई डाउन हो गए। फिर उसके बाद मैं इसको एक गोली मार मार के डाउन करता हूँ, तो एक एक गोली मार मार के मैं उसे डाउन किया। और उसके बाद मैं इसको जल्दी से रिवाइव देता हूँ भाई, क्योंकि रिवाइव देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीम गेम है। ओके, और इसके बाद मैं इसको ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे M4A1 चाहिए होती है, मैंने देख ली थी, मतलब साउंड सुन लिया था। यहाँ पर मैं अपना फ्री वाला स्किल लगाता हूँ, क्योंकि मुझे शक होता है पीछे बंदा आ रहा होता है, लेकिन वो मेरा टीममेट ही होता है। ओके, और यहाँ पर इतना करने के बाद भाई सामने से एक बंदा आ रहा होता, अपने पास गन होते मैं निकाल तो वो डाउन कर देता है अपने टीम में, यानी कि मेरा टीममेट मेरा किल चोरी कर लेता है। तो मैं सोचा चलो ठीक है, किल तो चोरी हो गया, तो अभी हील अप ही कर लेते हैं। तो मैं हील अप करता हूँ, और उसके बाद भाई यहाँ पे हम तीन होते हैं, बंदा सामने एक होता है, तो ये मैच तो भाई आ ही गया होता है अपने हाथ में। पहला मैच चला जा गया था, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ ऊपर देखने के लिए भाई कि ऊपर बंदा होगा आई थिंक, क्योंकि ऊपर ही चढ़ जाते हैं जब नहीं नीचे मिलते समझो ऊपर। लेकिन भाई बंदा नीचे था, और वो नीचे होता है उसने एक टीममेट अपना डाउन किया, ख़त्म किया। और उसके बाद देखो मैं मुक्के से मार रहा था उसको, इतना प्रो हूँ मैं। और उसके बाद भाई यहाँ पर बहुत दूसरे बंदे को डाउन कर देता है, उसके बाद फिर मैं ही बचता हूँ, लेकिन सही टाइम पर मैं उसको मार देता हूँ, नहीं तो भाई उसकी अगर शॉटगन रिलोड जाती ना तो अपने ऊपर वो धर लेता, और शॉटगन से बचना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी शायद लो HP था। ओके, और यहाँ पर एक और मैच है, और इस बार है अपने पास AKM, और अपने पास अगर AKM है तो फिर कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है, बट ऐसा है नहीं। ओके, तो चलो ठीक है, अभी सामने बंदा दिखता है जिसमें मैं दो बार कोशिश करता हूँ बट कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके हेडशॉट नहीं लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ रस करने, लेकिन सामने से बंदा आ रहा होता है तो मैं इसके ऊपर धर लेता हूँ, और फिर मुझे एक गर्ल दिखती है जो कि आ रही होती है हमारी तरफ, तो मैं इससे भी धरा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो को डाउन कर दिया है एक ही बार में। ओके, और उसके बाद मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसके पीछे मैं जाता हूँ ये देखने के लिए भाई मार दूँ, लेकिन वो भाग जाता है। ठीक है, वो तो भाग जाते हैं, मगर उसका भाई टीममेट आ जाता है जिसका मुझे आईडी नहीं होता है, और वो मुझे शॉटगन से लिटा देता है लंबा लंबा। ओके, इतने करने के बाद भाई अपने हम लोग ये मैच हार जाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब जो शॉटगन लिए खड़े, आप देख रहे, ये पता नहीं कौन सा से नशे होते हैं, ये ऊपर नीचे करते रहते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इनके से। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट गेम है, और हम लोग एक ही जीते हैं, वो दो जीत चुके हैं, तो यानी कि हम लोग अभी माइनस में चल रहे हैं। बट यहाँ पर अपने पास AKM है, यानी कि अब तो हेडशॉट लगना बनता है भाई, तो अभी AKM की बेइज्जती ना हो इसलिए मैं हेडशॉट मारूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ, हेडशॉट नहीं मार पाता हूँ, AKM की बेइज्जती करा ही देता हूँ आखिर में, लेकिन कोई नहीं, अभी होगा हेडशॉट लगेंगे। देखो एक साथ मैंने दो हेडशॉट मार दिए, मैंने बोला था ना कि मैं हेडशॉट मारूंगा, AKM है मतलब हेडशॉट पड़ने वाले हैं, तो मैं दो हेडशॉट मार देता हूँ एक ही बार में, दो बंदे डाउन कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर वाला होता है उसको मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा होता है एक्चुअली, तो इस वजह से ये कैरेक्टर जो सामने आ जाता है। और यहाँ पे अभी मुझे ये पता चला कि मुझे इस घर में दोबारा नहीं आना है मारने के लिए, तो ठीक है, पर फिर भी मैं डाउन हो जाता हूँ यहाँ पर, और अपने टीममेट उधर फाइट लेते रहते हैं। ओके,
और उसके बाद भाई ये प्रो बंदा जाता है एकदम टार्जन स्टाइल में जंप करके, नहीं क्रिस के स्टाइल में उसको मार देता है और अपना जो गेम प्ले है वो विक्ट्री बन जाता है। तो दो दो हो चुके हैं अभी यहाँ पर, और अभी नेक्स्ट गेम आ चुका है। अब एक बार फिर से अपने पास एक एम है, अभी एक एम है मतलब कि हेडशॉट पड़ने हैं। तो हेडशॉट मारने के लिए मैं जाता हूँ जल्दी से आगे, मैं देखता हूँ कि अब अगर मैं पहले जाऊँगा तो मैं हेडशॉट जल्दी मार दूंगा। तो मैं जाता हूँ और मुझे सामने एक बंदा आता है, वो दिखता है ठीक है, जिसमें मैं ट्राई करता हूँ जो कि मैं नाकाम हो जाता हूँ हर बार की तरह, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था ओके। लेकिन उसके बाद मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर से नाकाम हो जाता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है, मैं हेडशॉट धार देता हूँ 236 का ओके। फिर मुझे ऊपर दो बंदे दिखते हैं, तो इनको भी मैं एक बार हेडशॉट रखता हूँ, दूसरी बार फिर से हेडशॉट रखता हूँ और तीन किले की सांस में कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद जो है अपना गेम प्ले तैयार हो जाता है ओके। और अभी देखो यहाँ पे अभी लास्ट वाला बचा हुआ है ठीक है, और इसमें मैं सामने से देख रहा हूँ कि बंदा है क्या। अगर हम लोग ये जीत गए ना तो ये मैच तो अपना हो ही जाएगा ओके, तो वो तो हम वैसे भी जीतेंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखो मैं हेडफोन मारने की कोशिश करता हूँ मगर नहीं भाई, एक एम इतनी दूर काम नहीं कर रही, पता नहीं कौन सी सड़ियल स्किल लगा रखी है मैंने जो दूर के लिए काम ही नहीं करती है। मतलब मिड रेंज में हेडशॉट, लॉन्ग रेंज में बॉडी शॉट भी ढंग से नहीं पड़ता। और यहाँ पर पीछे से भाई बंदा आता है और इसको मैं शॉट गन से धर लेता हूँ, मैंने शॉट गन इसीलिए खरीदी थी क्योंकि मैं शॉर्ट रेंज में मार सकूँ। तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ, अभी दो ही बंदे बचे होते हैं और हम लोग होते हैं 4-4 ओके। और यहाँ पे मुझे सामने ऊपर बंदा दिख गया तो मैं एकेएम निकाल लेता हूँ क्योंकि इतनी लॉन्ग रेंज में एकेएम से हेडशॉट बहुत चिकना वाला पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद ना वो पता नहीं बंदा आता ही नहीं आगे है, पता नहीं कहाँ चल जाता है ठीक है। उसकी बाद मैं इधर जाता हूँ देखने के लिए कि शायद बंदा यहाँ पे होगा, लेकिन नहीं भाई, तब तक तो मेरे टीममेट से खा लिया होता है और अपनी बोया हो गया होता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने 4-2 से उनको हरा दिया ओके। तो ये होता है पावर एक टीम का ओके। अभी मैं ज़्यादा पंचायत कर रहा हूँ। चलो ठीक गाइस, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है गाइस, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।